हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया रिक्रूटमेंट, बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इंडियन पोस्ट की तरफ से जारी किया जा रहा है। इस बार की 2023 में फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट दिया जा रहा है इंडियन पोस्ट की तरफ से, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी वीडियो के अंदर इसी के बारे में एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। इंडियन पोस्ट की जो वैकेंसीज निकल के आए, जिसमें किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, उसी के बारे में। इंडियन पोस्ट जैसे एक बड़ी डिपार्टमेंट के अंदर फिर से 40,000 वैकेंसीज लेके आ चुका है अपडेट, एवं वहाँ पे ही आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो इसमें एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन सी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। और कब से एप्लीकेशन शुरू होने वाला है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इंडियन पोस्ट की तरफ से 2023 में फिर से जारी किया गया है तीनों पोस्ट। इन तीनों पोस्ट जो कि है MTS, मेल गार्ड एंड पोस्टमैन, इन तीनों पोस्ट के ऊपर फिर से एक रिक्रूटमेंट की ऑफिशियली अपडेट पब्लिश किया गया है। इन तीनों पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल गया वो है 40,000, और इस 40,000 ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह में जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन मोड की अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन में रखा गया है इस पर फिर से। तो बहुत बड़ी जो वैकेंसीज निकल के इन तीनों के अंदर अलग अलग से वैकेंसीज आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ओनली ऑन मेरिट बेस के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जैसे कि GTS के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, उसी तरह से इन तीनों पोस्ट के लिए फिर से जो है एक मेरिट लिस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जाए। देयर इज़ नो रिटन एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम आप बताओ या इंटरव्यू कुछ भी नहीं। आपके मेरिट लिस्ट के मेरिट बेसिस के ऊपर एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, उसके ऊपर आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका सैलरी। सैलरी जो है 18,000 से 81,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। हर एक पोस्ट जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट है, तो हर एक पोस्ट के लिए भी यहाँ पे सैलरी भी आपको डिफरेंट दिया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। और सैलरी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको भी इसको भी जानना होगा। एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो 18 से 40 इयर्स तक कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्शन भी दिया जा रहा है। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया 18, मैक्सिमम 40। और एज रिलैक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक। एप्लीकेशन की बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ फॉर जनरल OBC एंड SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं दिया गया है। जो भी SC ST है उनके लिए तो बहुत बड़ी मौका है, आपको कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना होगा। अगर बात किया जाए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपको 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन पास, तो तीनों पोस्ट ही अलग है। जैसे कि LDC के लिए और सॉरी MTS के लिए आपको 10th पास, एंड पोस्टमैन के लिए 12th, एंड आपका जो अलग से जो पोस्ट निकल के आया उनके मेल गार्ड के लिए आपको 10th पास भी ज़रूरी है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको इसमें से कोई भी अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन शुरू होने वाला है मार्च 2023 से, जो कि आप लोग दिया जा रहा है डेट इस तरह की। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा इंडियन पोस्ट की तरफ से, जिसमें आप लोगों को सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। बट अभी के लिए यही अनुमानिक जो डेट है दिखा रहा है कि मार्च की तरफ से एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। एप्लीकेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक आपको मिलेगा, जहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इन सारे सर्टिफिकेट को लेके एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत।